दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के संगम विहार से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। और देखिए, पहले तो आप आगे की तस्वीरें देखिए, संगम विहार की तंग गलियां आज पूरी तरह से भरी हुई हैं और ये शंखनाद है, विजय संकल्प इसे नाम दिया गया है। और आज दिल्ली में 14 जगह इसी तरीके के रोड शोज हो रहे हैं, जहां लोगों का अभिवादन करते हुए भी जेपी नड्डा आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम लोग जो देखने के लिए छतों पर आए हैं, सड़कों पर आए हैं, उन सभी को उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। जेपी सर, अब कुछ ही दिन रह गया और आज जिस तरीके से 14 जगह रैलियां हो रही हैं, इसे विजय शंखनाद माना जाए? बिल्कुल, ये शंखनाद है और भारतीय जनता पार्टी हर गली, हर चौराहे, हर घर पे दस्तक देगी और बताएगी कि केजरीवाल की सरकार, भ्रष्ट सरकार ने किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और किस तरीके से उनके हक हुकूक को लूटा है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार किया है और एमसीडी को भी आर्थिक रूप से दबाने की कोशिश की गई है। तो ये सारे मुद्दे लेकर के हम जनता में जाएंगे। जनता का आप उत्साह देख रही हैं, ये उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में फिर से दोबारा एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने आपके जो विजय संकल्प है उसको लेकर ट्वीट किया और कहा दिल्ली को गुमराह करने के लिए ये तैयारियां की जा रही है और दिल्ली वाले गुमराह ना हो। ऐसा है, जो इस तरीके की जादूगिरी करते हैं वो इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को छला है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता के नाम पर ईमानदारी का नाम चोगा पहन करके भ्रष्टाचार किया है। कल आपने दिन भर देखा टीवी पर, तिहाड़ जेल की तस्वीरें आपने देखी, तो आपके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और इनको एक्सपोज करना, इनको जनता के सामने बताना, ये हमारी जिम्मेवारी है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से कल तिहाड़ का वीडियो सामने आया, मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो है लेकिन मंत्री है और उनकी जिस तरीके से वीडियो सामने आई, क्या ये भी एमसीडी में ज्वलंत मुद्दा रहेगा बीजेपी की तरफ? देखिए, ये उनके नैतिकता का परिचय देता है। जो ईमानदारी का चोगा पहन करके घूम रहे थे वो भ्रष्टाचारियों को कैसे पनाह देते हैं, इसका जीता जागता नमूना है और दिल्ली ने अपनी आंखों से इसको देखा है। ये हुजूम देखिए आप, किस तरीके से जेपी नड्डा का अभिवादन करने के लिए तमाम पहुंचे हैं। तीन जो लोग यहाँ के प्रत्याशी हैं इस बार निगम पार्षद चुनाव के, उनके प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पर साफ तौर पर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आया है और उसी के पोल खोल करने के लिए इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तकुल शर्मा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।